ये जिंदगी के उतार चढ़ाव भी बहुत अजीब होते हैं, और मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही था। मेरे पापा फ्रूट्स बेचते थे और माँ घर संभालती थी। 17 साल का था जब मेरे पिताजी मेरा साथ छोड़कर चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और फिर घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं MP के छोटे शहर को छोड़कर दिल्ली चला गया, जहाँ पर मैंने ब्यूटी की कंपनी में 2 साल काम किया। लेकिन वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। मेरे अंकल मुंबई में रहते थे, उन्होंने समझाया कि मुंबई में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ आके एक्सप्लोर करो, ज़रूर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मन में यही अटूट विश्वास लिए मैं मुंबई चला आया और अपनी गुजर के लिए एक बड़े कैफ़े में काम करने लगा। जब भी प्रोफेशनल लोगों को कैफ़े में आते देखता था तो सोचा करता था, क्या कभी मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह होटल आ पाऊंगा। फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई जो वीडियो एडिटर था। उसका मैंने काम देखा, उसका स्किल देखा, बहुत इंस्पायर हुआ। उसका स्किल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये काम जो है मेरे सपने पूरे कर सकता है, मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दी और फिर TV पर एरिना एनिमेशन का ऐड देखा। फिर एरिना एनिमेशन में कोर्स के बारे में पता चला, और फिर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी, अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता नज़र आया। फीस का थोड़ा टेंशन था, पर मैं कैफे में पार्ट टाइम एक्स्ट्रा जॉब करके एरिना के कोर्स में इनरोल कर लिया, और एरिना एनिमेशन वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी फीस के लिए मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि आप फीस पे करो तो ही मतलब आपको सिखाएंगे, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया, बहुत हेल्प की उन्होंने। फिर एरिना एनिमेशन में मुझे बहुत सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर सीखने को मिला, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज मिले जो बहुत सपोर्ट करते थे, और बहुत ही सारे उन्होंने रियल टाइम उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क सिखाया, बहुत सारे सेमिनार इवेंट्स में भी लेके गए। उसके बाद जब वहाँ पे मैंने कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ तो एरिना एनिमेशन वालों ने मुझे जॉब भी दिलवाया। स्टार्टिंग 10,000 से मैंने की थी, लेकिन आज 6 साल हो गए हैं और आज एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है मुझे। एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, तो कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि वो जो छोटा सा मैंने सपना देखा था ना प्रोफेशनल लाइफ जीने का, AC वाले कमरे में बैठ के काम करने का, तो आज कहीं ना कहीं लगता है कि वो सपना मेरा जो छोटा सा सपना था वो पूरा हुआ है। मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो संघर्ष करते हैं, जो आगे बढ़ने का ख्वाब देखते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छी जगह काम करो, अपने टैलेंट को निखारो। अपने टैलेंट के हिसाब से जब आप काम करते हो ना तो आपको जो खुशी मिलती है वही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है। इन 25 सालों में हमने कई जिंदगियों को अपने सपनों को पूरा करते हुए देखा है।